गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश में आज आप एक पोएम पढ़ेंगे और उस पोएम को पढ़ने के बाद आपको उससे रिलेटेड कुछ टिक द करेक्ट ऑप्शन है उनमें सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। मैरी हैड ए प्रैटी बर्ड। मैरी एक जो बच्ची है उसके पास एक बहुत सुंदर पक्षी है। प्रैटी मतलब सुंदर। फेदर्स ब्राइट एंड येलो, उसके जो पंख है वो चमकीले पीले हैं। स्लेंडर लेग्स, अपॉन माई वर्ड उसके पैर बहुत ही सुंदर हैं। ही वॉज ए प्रेटी फेलो, वो बहुत प्यारा है। द स्वीटेस्ट नोट्स ही ऑलवेज सैंग, और वो बहुत ही मीठा गाता है हमेशा। विच मच डिलाइटेड मैरी, और उसके गाने से, मीठे गाने से मैरी हमेशा खुश हो जाती है। एंड नियर द केज शी हैड एवर सीट टू हियर, और वो उसके पिंजरे के पास बैठी रहती हमेशा कि उसकी मीठा गाना सुने, उसको देखे। वी हियर ऑन कैनरी, उसके अपने पक्षी की आवाज़ सुनने के लिए वो हमेशा उसके पास बैठी रहती है। तो ये पोएम आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये टिक द करेक्ट ऑप्शन के आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। द नेम ऑफ द गर्ल इन द पोएम इज, इस पोएम में लड़की का नाम क्या है, जेरी, मैरी या गूज, जो भी है उस पर आप टिक करेंगे। द बर्ड इन द पोएम हैज़ फेदर्स दैट आर, इस पोएम में पक्षी के पंख कैसे हैं, रेड, ग्रीन या येलो, सही ऑप्शन पर टिक करेंगे। द सॉन्ग ऑफ द बर्ड इज, पक्षी का गाना कैसा है, सॉफ्ट, स्वीट या नॉइजी। द बर्ड लिव्स इन ए, बर्ड कहाँ पे रहता है, केज, पिंजरे में, कैनाल में या शेड, शेड में रहता है। तो इसको आप पूरा करेंगे। मैच द कॉलम्स विद देयर होमोफोन्स, होमोफोन्स को आपस में मैच करना। होमोफोन्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो बोलने में एक जैसे लगते हैं बट उनकी स्पेलिंग्स अलग होती है और उनके मीनिंग अलग होते हैं। जैसे ब्लू, इसमें से आप देखना इस किस ब्लू के साथ आप इसको मैच करेंगे। आंट, ब्लू नीला, आंट, आंटी। सेल, कोठरी होती है। मीट, मिलना। हियर, सुनना। बाय, खरीदना। एट, खाना। आवर, घंटा। बी, होना। वन, एक। अब आप इधर के देखेंगे, ये सेल, बेचना। ये हियर, खरगोश। बी, मधुमक्खी। एंड चीटी, बाय के द्वारा। ब्लू, फूक मारना। मीट, मांस। वन, जीतना। अवर, हमारा। एट, आठ। तो सही होमोफोन्स को आपस में आप मैच करेंगे। जैसे ये ब्लू है और ये ब्लू है, ये हमारा नंबर वन है। ऐसे आप इनको सॉल्व करेंगे, मैच करेंगे अच्छे से। मेक सेंटेंस, प्राइज, इनाम, होल, सारा, ईयर, साल, वीक, कमज़ोर, डब्ल्यू ई ए के वीक, ये वाला वीक होता है कमज़ोर, और जो डब्ल्यू डबल ई के वीक होता है वो होता है सप्ताह। तो ये सेंटेंस बनाएंगे आप और इनको मैच करेंगे। थैंक यू।